हाय गाइस, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एज ऑफ नाउ कमिंग अप फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि सर एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, इज देयर एनी चांसेस कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो, बिकॉज सेकेंड फॉर्म फिलिंग को लेके एक्सटेंशन आ गया है। तो एक बार डेट एक्सटेंड की फॉर्म फिलिंग को लेके फिर सेकेंड टाइम किया उन्होंने, तो हाई चांस है कि डेट भी पोस्टपोन्ड हो। सो ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। सो यार बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, ठीक है। बट अभी तक कोई अपडेट सी डी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया हुआ है, मतलब डेली बेसिस पे वी आर चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सी डी सेल, बट पॉसिबिलिटी है वो एक्सटेंड कर भी सकते हैं। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं सी ई टी के, इतने सारे एग्ज़ाम्स जो मार्च में शेड्यूल्ड है, और आपका सी यू ई टी जो पी जी वाला एग्ज़ाम है वो भी मार्च में 11 से लेकर 20 तक, तो आई डाउटफुल कि डेट एक्सटेंड करेंगे। अगर उनको उन्होंने एक भी डेट को ऊपर नीचे किया तो उनको पूरी डेट मैनेज करनी पड़ जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो अगर डेट एक्सटेंड होती है तो वो हमारे पास बोनस डेज होगा पढ़ाई के लिए, है ना। तो उसको लेकर के आप ये माइंडसेट में रहो कि अपने को जो भी पढ़ाई करनी है वो फैब मंथ है, इसमें पूरी पढ़ाई करनी है। डेट एक्सटेंड होती है तो वो बोनस डेज है हमारे लिए, रिविज़न के लिए टाइम मिल गया, या आपका मॉक लिखने के लिए, या प्रैक्टिस और भी कुछ करना है, टॉपिक नया करना है वो कर लेना। बट डेट एक्सटेंड होगी ही, उसके भरोसे नहीं बैठना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उन्होंने सेकेंड सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ था सेकेंड एक्सटेंशन का, तो इसमें जो लास्ट डेट है अभी वो 12th है सारे एग्ज़ाम को लेकर के। सो आज है 10 तारीख, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 दिन का और टाइम है, डिले मत करो फॉर्म फिलिंग को लेकर के। जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो फॉर्म फिल करके ख़त्म करो उनका जो भी बहुत इजी स्टेप भी इनफैक्ट रखा हुआ है उन्होंने ऑलरेडी, हमने फॉर्म फिलिंग को लेके वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है, चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फॉर्म फिलिंग को लेके, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो सारे सीटी एग्जाम को लेके रफली 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, किसी एग्जाम को लेकर कम भी टाइम बचा हुआ है, और किसी एग्जाम को लेकर 30+ डेज का टाइम बचा हुआ है। तो आई एम होपिंग कि आपकी फुल फ्लेज में प्रिपरेशन चल रही होगी, आपने वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हो, मॉक लिख रहे हो, रिविजन पे काम कर रहे हो। हाँ, रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। मतलब हम प्रिपेयर कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट हम रिवीजन नहीं करते। सो एक बार आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, अच्छी बात है, एक बार आपको वापस से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो एज आई ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग दिस पार्ट कि आप कम से कम 2 या 3 बार पूरा क्वेश्चन को रिवाइज करके जाओ। आपके मैनुअल की बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सेम टाइप के क्वेश्चन आपके सी ई टी में आने वाले हैं, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे होगा, टाइप पैटर्न लॉजिक विल रिमेन सेम, एंड दबा के मॉक लिखो। अभी तो फुल फ्लेज में आपको मॉक लिखना भी चाहिए। सो इफ़ यू हैव अ मेनूअर का डैशबोर्ड का एक्सेस, मॉक वीडियो एंड एक्सेट्रा, वेल एंड गुड। नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन ज्वाइन द फुल कोर्स प्रोग्राम और द मॉक टेस्ट एंड द सेक्शनल प्रोग्राम, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो। सबसे पहले आज काम करो, जाके फॉर्म भरो, अदरवाइज 2 दिन बाद डेट निकल जाएगी और फिर एक्सटेंशन आएगा कि नहीं वी डोंट नो। सो एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी उसको लेके अभी सोचना नहीं है, लोड नहीं लेना है अभी के लिए, सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। कुछ अपडेट आएगा तो चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, आपको चैनल पे मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, ठीक है। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।